अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल जो है वो तो पढ़ ही लिया होगा कि मैं अब ओमान में नहीं रहता और मैं पुर्तगाल में शिफ्ट हो गया हूँ। और तकरीबन यूरोप के 4 से 5 जो कंट्रीज़ हैं उनमें घूमने के बाद और उनके इमिग्रेशन रूल्स जो हैं वो चेक करने के बाद मैं फाइनली जो है अपनी डेस्टिनेशन पुर्तगाल में जो है वो सेटल हो गया हूँ। और लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे बिल्कुल न्यू ईयर के टाइम पे मैंने यहाँ पे मूव किया था। और जैसे कि आप लोगों को पता है, बंदा जब किसी नई कंट्री में जाता है तो शुरू से सारी सेटिंग आपको करनी पड़ती है, जॉब की, घर वगैरह, हर चीज़ की। तो इस वजह से मैं काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूँगा जो कि होगा कि पुर्तगाल में जो है क्यों आया जाए और यहाँ के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि यहाँ के इमिग्रेशन रूल्स किस तरह के हैं और मैंने यही कंट्री क्यों चूज़ किया, क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी ऑप्शंस थे कि मैं किसी और कंट्री में चला जाऊं। लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च थी, इस टाइम जो है पूरे यूरोप में सबसे जो आसान, जिसे आप कह सकते हैं, और सिंपल जो इमिग्रेशन प्रोसेस है वो सिर्फ पुर्तगाल का है। तो ये मेरी सबसे मेन वजह थी पुर्तगाल में आने की कि मैं यहाँ पे जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो बहुत इजी हैं और आपको जो है एक चीज़ की श्योरिटी होती है कि अगर आप इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो इनका प्रोसेस है वो अगर आप सही तरीके से करें तो आपकी जो इमिग्रेशन है उसमें कोई मसला नहीं आएगा और आपके जो चांसेस हैं यहाँ पर इमिग्रेशन के वो ऑलमोस्ट 100% होते हैं, जैसे कि यहाँ पे। और इन लोगों के जो रूल्स हैं वो काफ़ी ही ईजी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से आके अपने आप को यहाँ की इमिग्रेशन में जो है वो रजिस्टर करवा सकता है, यहाँ पे लीगली काम कर सकता है और यहाँ पे रह सकता है। और दूसरी जो मेन वजह यहाँ पे आने की थी वो यहाँ का मौसम है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही, जैसे आप कह सकते हैं, प्लेजेंट और बहुत ही अच्छा मौसम है बनिस्बत अगर आप लोग देखें बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पे जो सर्दियों में मौसम होता है वो काफ़ी ऑप्टिमल होता है, यानी आप जो है ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं तो, यानी बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर होता है यहाँ पर मौसम, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती। तो दूसरी वजह में ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ यही है, लोगों को जो है वो मैं गाइड कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी अपने देसी, जिसे आप कह सकते हैं, अपने लोग मिले हैं जो एशियन सिटीज़न होते हैं, जिनके साथ जो है यहाँ पे काफ़ी सारे धोखे किए हैं लोगों ने और के जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो लोगों को पता नहीं होते थे, जिस वजह से वो इस चीज़ के जो है विक्टिम बने। तो ये बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं लोगों को बता सकूं कि यहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है और लोग काफ़ी साल जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में, जिस तरह यूरोपियन बाकी कंट्रीज़ में, इटली में, जर्मनी में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और एंड पे 8-8, 9-9 साल बाद उनका जो अजील, जिसे कहते हैं अजाइलम, वो रिजेक्ट भी हो जाता है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है और फिर वो लोग यहाँ पे आते हैं पुर्तगाल में और अपने आप को इमिग्रेशन में रजिस्टर करवाने के बाद जो है अपना प्रोसेस शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो ये वजह है कि मैं ये वीडियो से लोगों को बताऊं कि वो यहाँ पे आएँ। यहाँ पे ये कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है, यहाँ पे आपको जो पे वगैरह है, जो पे स्केल है, वो भी कम है, लेकिन सबसे बड़ा जो सुकून है यहाँ पे वो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस है, वो बहुत सिंपल और बहुत आसान है बाकी मुल्कों से। तो ये वजह है कि मैं लोगों को इस चीज़ से गाइड करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो पुर्तगाल आएँ। और ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप ही दूँगा कि यहाँ पर कैसे आया जाए और यहाँ की लाइफ किस तरह की है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छी है। और दूसरी मेन एक वजह ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रूल्स हैं, वो सब लोगों के लिए सेम है,
आपको बिल्कुल रेसिज्म जो है वो फेस नहीं करना पड़ता यहाँ पे। जिस तरह पुलिस है, अगर खुदा ना खास्ता कोई इशू कोई बात होती है तो वो आपको बिल्कुल एज अ नेशनल एज अ सिटीज़न ही ट्रीट करते हैं। बिल्कुल उन्होंने कभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि आप पुर्तगीज़ हैं या नहीं, लॉ के हिसाब से ही वो चलते हैं काफ़ी हद तक। यानी उन लोगों की इस चीज़ में जो है काफ़ी बेहतर है ये लोग। तो मैं इस वीडियो सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें बस लोगों को गाइड करूँगा कि वो यहाँ पे किस तरह आएँ, यहाँ पे आने का प्रोसेस क्या है, इधर आने के बाद आप सेटल किस तरह हो सकते हैं, यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको जो है रिक्वायर्ड होती है। और क्योंकि बेसिकली जो लोग यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है पैसे देकर और अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं और यहाँ पे आते हैं, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ जो है आप ख़ुद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इन वीडियो सीरीज़ के ज़रिए सारे जो प्रोसेस है उससे भी उसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा। और जो यहाँ पे इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं, जो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स भी सारे डिस्कस करूँगा। और अगर किसी भाई की कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है कि हम लोग वीज़ा कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे आके क्या करें, इस तरह के जो सवालात होंगे उनके भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जवाब दूँ। और ये जो कंट्री है ये काफ़ी ही खूबसूरत है, यूरोप वैसे ही वैसे तो सारा खूबसूरत है, लेकिन पुर्तगाल जो है मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का वेदर और यहाँ का जो एरिया बनता है वो बिल्कुल यूरोप का एंड बनता है, इस हिसाब से ये काफ़ी खूबसूरत है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी मैं जिस जगह पे वॉक कर रहा हूँ ये मेन यहाँ का एरिया है और इसके बिल्कुल साथ ही रिवर और बीच लगता है। यहाँ का जो लैंडस्केप है, जैसे कि नेचर आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी है इधर की, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ भी हैं, इधर समंदर भी है, रिवर्स भी हैं और बिल्डिंग्स भी काफ़ी बनी हुई हैं, तो ये इस हिसाब से बड़ा खूबसूरत है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी जो है यहाँ से चलते हैं हम लोग ये रिवर वाली साइड पे, वहाँ पे बैठने की बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है, और बाकी जो बातें हैं बाकी जो चीज़ें वो वहाँ पे चल के करते हैं डिस्कस। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो लाइफ है वो काफ़ी हैपनिंग है, वीकेंड पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके पास करने के लिए, और आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और ट्रिप्स पे जा सकते हैं। जगह भी यहाँ पे बहुत सारी घूमने की हैं। ये शाम का जो व्यू है यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़रा ये चेक करें सामने जो रिवर का व्यू है यहाँ पर।
आज की जो वीडियो थी इसमें इतना ही, इसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कहाँ पे हूँ और किस तरह की वीडियोज़ आगे आएंगी और किस तरह की सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगा। तो आज का जो ब्लॉग है इसको करते हैं यहाँ ही ख़त्म और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।